अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हेल्थ एंड ब्यूटी विद महा। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके पैसे बचाने के लिए आई हूँ। अगर आप बाज़ार से महंगे टिंट खरीदते हैं, ब्लशन खरीदते हैं, तो वो ख़रीदना बंद कर दीजिए और अपना ब्लशन, अपना टिंट जो कि आप फेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं, अपने लिप्स पे अप्लाई कर सकते हैं, वो आप ख़ुद अपने घर पर अपने हाथों से बनाइए। बहुत ही आसान और बहुत ही मैजिकल रेमेडी है ये, आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिए और मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। हाँ जी, तो इस आज की रेमेडी में सिर्फ चार चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। चार चीज़ों में एलोवेरा जेल, नंबर वन एलोवेरा जेल आप बाज़ार वाला लीजिए, क्योंकि उसको आप ये कि सेव कर सकती हैं, जब आप चाहें जब तक चाहें उसको सेव कर सकती हैं, वो ख़राब नहीं होता। जबकि घर वाला एलोवेरा जेल लें तो वो जल्दी ख़राब हो जाता है, स्मेल आ जाती है और आपको वो चीज़ भी ज़ाया करनी पड़ती है। सो आप बाज़ार वाला एलोवेरा जेल लीजिए। एलोवेरा जेल आपको चाहिए वन टेबल स्पून एलोवेरा जेल को लेके आप अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए, कटोरी में डाल के इतना मिक्स कीजिए कि उसकी थोड़ी सी क्रीमी फॉर्म बन जाए। जब एलोवेरा जेल अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो आपने इसमें ऐड करना है रोज़ वाटर। रोज़ वाटर आपको चार टेबल स्पून चाहिए। वन टेबल स्पून एलोवेरा जेल, चार टेबल स्पून आपको रोज़ वाटर चाहिए। अब इसमें आप रोज़ वाटर डाल के अच्छी तरह से उसको भी मिक्स कर लीजिए। और इसके बाद आपको चाहिए ऑलिव ऑयल या नारियल का तेल, आप इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। उसके सिर्फ चार से पाँच ड्रॉप्स आप ले लीजिए ऑयल के, वो इसमें ऐड कर लीजिए। और इसके बाद चौथा इंग्रेडिएंट जो आपको चाहिए वो है फूड कलर, रेड फूड कलर। रेड फूड कलर आप अगर वो लिक्विड वाला लेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन अगर आपके पास लिक्विड वाला नहीं है, आपके पास पाउडर शेप में है, तो आप उसको लिक्विड कर लीजिए। उसमें थोड़ा सा रोज़ वाटर ऐड करके तो उसको लिक्विड कर लीजिए। पहले उसको लिक्विड बना लीजिए अच्छे तरीके से उसको, तो उसके बाद इसमें ऐड कीजिए ताकि उसके लम्स ना रह जाए। एलोवेरा जेल, रोज़ वाटर, रेड कलर, फूड कलर, और चौथी चीज़ थी नारियल का तेल और या ओलिव ऑयल। इनके आपने चार या पांच ड्रॉप्स लेने हैं। ये अब आपने ये चारों चीज़ें मिक्स करनी है अच्छी तरीके से और आपने किसी डिबिया में रख लेनी है। तो जब भी आपको ये टिंट यूज़ करना है अपने चीक्स पे, नोज़ पे या लिप्स पे, तो आप इसको अप्लाई कीजिए और देखिए इसका रिज़ल्ट बहुत ही ज़बरदस्त है। मैं ख़ुद पर्सनली इसको यूज़ कर चुकी हूँ, मुझे ये सब टिंट से ज़्यादा बेहतरीन यही लगा। इवन बाज़ार वाले टिंट भी काफ़ी यूज़ किए लेकिन किसी का रिज़ल्ट इतना अच्छा नहीं लगा। ये आप इस्तेमाल कीजिए और फिर मुझे बताइएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।